Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 18th of October 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is Global Hunger Index is published by A. World Bank, B. IMF International Monetary Fund या फिर C. Concern Worldwide and World Hunger Health या फिर D. World Economic Forum. Second question is SAFAR is an organization under which ministry? A. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, B. Ministry of Earth Sciences, C. Ministry of Health and Family Welfare, या फिर D. Ministry of Home Affairs. Third question is Ordinance making power of governor is mentioned in A. Article 123, B. Article 213, C. Article 72, या फिर D. Article 161, ठीक है? तो आप लोग इन तीनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा एंड इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं. एंड जिनको भी आंसर्स ना आते हो वीडियो के एंड में जाएं, इसका आंसर जो है वो वीडियो के एंड में दिया जाएगा. इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ है वो अपलोड की जा चुकी है. तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड है इसको खरीद सकते हैं जाकर के द एग्जाम्स मेड सिंपल पे. एंड इसकी लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दी जाएगी. इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक बुक भी लॉन्च की है, इंडियन पॉलिटी डिकोडेड, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड बुक है एंड बहुत ही अपडेटेड बुक है जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया गया है. तो आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम लोग आज का न्यूज़पेपर शुरू करते हैं. आज के पेपर में सबसे पहला ही जो पेज है वो ऐड का है. कई बार क्या होता है कि एड्स को भी देखते रहना चाहिए जो हिंदू में आते हैं. तो यहां पर जो ऐड दिया गया है दैट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टर समिट. तो एमपीपीएससी वाले लोग इस चीज को ध्यान रखें कि इस बार की जो इन्वेस्टर समिट हो रही है मध्य प्रदेश की वो कहां हो रही है, इंदौर में हो रही है, ठीक है? तो ये एक फैक्ट यहां से ध्यान रखेंगे. इसके बाद आ जाइए दूसरे ऐड पे. एंड जो दूसरा ऐड है हमारा दैट इज रिलेटेड टू होंडा एंड इनका एक्टिवा से रिलेटेड एक न्यूज है कि BS6 जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है. तो हमारे लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काम की चीज है दैट इज BS नॉर्म्स, ठीक है, भारत स्टेज नॉर्म्स. तो हम लोग इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है. तो भारत स्टेज नॉर्म्स आर एमिशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट आउटपुट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स, ठीक है? तो ये एक नॉर्म्स है जिसके जरिए स्टैंडर्ड सेट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि इंटरनल कंबशन इंजन से कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स कितनी क्वालिटी में निकल सकते हैं या फिर क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड कौन सेट करता है, ध्यान रखिएगा, बीएस नॉर्म सेट करने की पावर जो है वो किसके पास है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर बेस्ड ऑन यूरोपियन रेगुलेशंस. तो यूरोप से ये इंस्पायर्ड है एंड दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000 एंड तब से लेकर के अब तक 2000 के बाद अभी हम लोग अप्रैल 1st 2020 से BS6 के ऊपर जाने वाले हैं, ठीक है? इसके अलावा ध्यान रखिएगा दीज हार्मफुल बीएस नॉर्म्स के जरिए जो है वो किन किन पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर. इसके अलावा एक और फैक्ट बीएस नॉर्म्स के बारे में ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो डायरेक्टली BS4 से BS6 में शिफ्ट कर रहा है. जो बीच का एक BS5 वाला स्टेज था उसको हमने स्किप कर दिया है, ठीक है? तो ये ध्यान रखेंगे. इसके बाद हम लोग BS6 के नॉर्म्स के बारे में देख लेते हैं कि इनको लाने का क्या फायदा या नुकसान होगा. तो फायदा इस बात का है कि जो अभी BS4 फ्यूल है उसमें जो सल्फर कंसेंट्रेशन है दैट इज 50 पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन BS6 में ये जो सल्फर कंटेंट है वो घट करके 10 पार्ट्स पर मिलियन पे आ जाएगा. इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर का जो एमिशन है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा इसमें. इसके कारण फायदा क्या होगा कि जो हार्मफुल एमिशन है वो कम होंगे, उसके अलावा जो लंग डिसीजेस होती थी उनके कारण वो कम हो जाएंगे. इसके अलावा नुकसान इस बात का है कि जो कार और अदर ऑटोमोबाइल्स की प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी. इसके अलावा जो पेट्रोल या डीजल की कीमत है दैट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 2 रुपीज पर लीटर. तो 2 रुपए पर लीटर तक पेट्रोल या डीजल महंगा हो सकता है आफ्टर BS6 नॉर्म्स, ठीक है? तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि इंटरनल कंबशन इंजन एंड ऑटोमोबाइल से रिलेटेड ये नॉर्म्स हैं और इनको सेट कौन करता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. एंड इनके अंदर मेजर क्या क्या चीजें की जाती हैं, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स को मेजर किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अनबर्नड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर्स. एंड इंडिया विल बी शिफ्टिंग टू BS6 फ्रॉम 1st of April 2020. नाउ कम टू दिस पेज एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू ब्रेग्जिट. एंड ब्रिटेन ने फाइनली जो उनकी डील होनी थी यूरोपियन यूनियन के साथ
वो जो है वो फाइनली फाइनलाइज हो गई है। एंड अब ये डील किस बात पे डिपेंड करती है कि ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो इसको अप्रूव करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो उसको लेकर के यहां पर इस पूरी के पूरे न्यूज में हाईलाइट किया गया है कि अब जो नेक्स्ट चैलेंज है, अब डील तो फाइनली साइन हो गई है, अब जो नया चैलेंज है वो ये है कि पार्लियामेंट से इसको अप्रूवल मिल जाए। जो वहां का मेन अपोजिशन है उसके जो लीडर है जेरेमी कॉर्बिन, उन्होंने तो बोला है कि वो इस डील को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वी विल सी कि यह चीज हो पाती है या नहीं हो पाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो वहां पर एक कॉम्प्रोमाइज था, दैट वाज बिटवीन यूरोपियन यूनियन मेंबर आयरलैंड एंड ब्रिटिश प्रोविंस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो जो अभी तक विवाद था वो किस चीज को लेकर के था कि आयरलैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है एंड एक ब्रिटेन का प्रोविंस है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में बॉर्डर सेटअप करने को लेकर के मना किया जा रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो हार्ड बॉर्डर फिर से उन दोनों के बीच में नहीं चाहते थे, ठीक है। इसको लेकर के नहीं हो पा रहा था। एंड अब उस चीज के लिए क्या बोला गया है इस एग्रीमेंट में, इस एक डील में ये बोला गया है कि जो भी गुड्स जो है यहां से जाएंगे, ब्रिटेन साइड से जाएंगे नॉर्दर्न आयरलैंड से आयरलैंड की तरफ, उन सबको चेक किया जाएगा। एंड जो यूरोपियन यूनियन में फ्री ट्रेड के लिए एंटर करने वाले हैं या वहां पर भेजे जाने वाले हैं उनको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर इस डील से रिलेटेड। अब ब्रेग्जिट के बारे में समझ लेते हैं, ब्रेग्जिट का क्या मतलब है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ब्रिटेन प्लस एग्जिट। तो एग्जिट कहां से हो रहा है ब्रिटेन का, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। इसके लिए जो है ब्रिटेन में 23 जून 2016 को एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया था, मतलब लोगों से पूछा गया था कि आप यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। तो उसमें से 51.9% लोगों ने जो है वो बोला था कि दे विल क्विट, मतलब ब्रिटेन में, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना चाहिए। एंड जो 49% थे, 49.9% उनका कहना था कि विड्रॉल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, अब यूरोपियन यूनियन छोड़ने के लिए जो ट्रीटी है दैट इज रेफर्ड टू एज लिस्बन ट्रीटी। एंड किसी भी अगर कंट्री को यूरोपियन यूनियन में अभी तक जो है वो 28 मेंबर्स थे, तो उसके उस उन लोगों में से किसी को भी छोड़ना है तो इस आर्टिकल का यूज करके वो उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 50 ऑफ द ट्रीटी ऑन द यूरोपियन यूनियन, ऑल्सो नोन एज द लिस्बन ट्रीटी। तो जब 2016 में ये हुआ तो उसके बाद यूनाइटेड किंगडम को था कि वो 29 मार्च 2019 तक यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि डील साइन नहीं हो पा रही थी इसलिए जो है वो उसको आगे बढ़ाना पड़ा टाइम पीरियड को। एंड फाइनली इट इज एक्सपेक्टेड कि ऑन 31st of October 2019 ब्रिटेन विल फॉर्मली लीव द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये यहां पर हाईलाइट किया गया। इसके अलावा इस एक न्यूज को वर्ल्ड पेज पर भी हाईलाइट किया गया है, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट वी विल सी ओवर देयर। Now come to the next news, and यहाँ पर जो हमारी news है that is related to legislative council, and ये जो है वो आपके GS2 में constitution and prelims में भी आपसे politics से related topics में पूछी जा सकती है। तो legislative council जो है वो जम्मू कश्मीर में government ने खत्म कर दिया है। अब क्योंकि जम्मू कश्मीर भी जो है वो यूनियन टेरिटरी बनने वाला है 31st of October को, तो वहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको यूजिंग द सेक्शन 57 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन एबॉलिस्ड, ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में देख लेते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में आप इसको क्रिएट और एबॉलिश कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये दिया हुआ है फॉर द एबोल्यूशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड इसके अलावा आप क्योंकि आर्टिकल 169 के अंदर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मतलब इसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता है, इट इज आउटसाइड द डोमेन ऑफ आर्टिकल 368। एंड आर्टिकल 368 जो है वहां पर प्रोविजन है दैट इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एंड ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने या एबॉलिश करने का प्रोसेस है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत भी नहीं है। आपसे यह क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने के लिए या क्रिएट करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत है या नहीं। तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी के जरिए जो है यह काम किया जा सकता है। अब जो है हम लोग देख लेते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन कैसा होता है, तो किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में वन थर्ड ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज इन द स्टेट लाइक म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड। वन थर्ड जो है वो कौन चुनता है, लोकल बॉडीज। 1/12 आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट्स ऑफ 3 years स्टैंडिंग एंड रेसाइडिंग विद इन द स्टेट, ठीक है। 1/12 मेंबर्स कौन चुनते हैं, जो कि ग्रेजुएट्स हों और पिछले 3 साल से उसी राज्य में रह रहे हों।
and 112th are elected by teachers of 3 years standing in the state, not lower in standard than secondary school. ठीक है, तो 112th members कौन चुनेगा? वो वैसे teachers जो पिछले 3 साल से किसी state में रह रहे हो and secondary school से कम education में न पढ़ाते हो, secondary school या उससे ज्यादा में पढ़ाते हो. 1/3 are elected by the members of the legislative assembly. ठीक है, तो 1/3 कौन करता है? legislative assembly के members, and remaining are nominated by the governor from amongst person who have a special knowledge in the field of art, science, social service and cooperatives. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इनके election के बारे में. ठीक, अब कौन कौन से states अभी हैं जिनके पास legislative council है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे states हैं वो unicameral हैं, या सिर्फ legislative assembly बस है, उनके पास legislative council नहीं है. तो हम उन states का नाम ध्यान रखेंगे जिनके पास legislative council है. तो वो कौन कौन से states हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. दीज सिक्स स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल. आई रिपीट, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इनके पास जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी है. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड न्यूज. नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर हमारी जो न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, एंड अगेन जो है वो वीर सावरकर का नाम आया है, विनायक दामोदर सावरकर का. एंड अमित शाह जी ने बोला है कि हु इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम अमेंडिंग हिस्ट्री. ठीक है, तो हमको कौन रोक सकता है इतिहास बदलने से? ठीक है, तो इसको लेकर के उन्होंने बोला है. एंड उन्होंने बोला है कि मतलब जो इंडियन रूलर्स हैं, अभी भी हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, एंड यहाँ पर स्कंदगुप्त या फिर और बाकी जो रूलर्स हैं उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अगर विनायक वीर सावरकर रही होते तो 1857 की जो क्रांति है उसको हम लोग भारत की पहली क्रांति के बारे में नहीं जानते, एंड ही कॉइंड द टर्म फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो इसको लेकर के हालांकि बहुत सारे हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर वॉर एंड नाइदर नॉर फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो ये भी एक चीज बोली जाती है, तो ये इस चीज को वहां पर हाईलाइट किया है. वैसे मतलब एक चीज अगर हम लोग सोचें तो आप इतिहास बदल नहीं सकते, आप इतिहास को फिर से सिर्फ लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये बोलना कि हम इतिहास बदल देंगे वो बहुत मुश्किल होता है, वो नहीं बदला जाता है, आप नए तरीके से उसको सिर्फ लिख सकते हैं. ठीक है, हम लोग यहां पर बीडी सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के बारे में देख लेते हैं. ये कौन थे? He was an Indian activist, politician, lawyer, writer and formulator of Hindutva philosophy. ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एंड इसके अलावा ये हिंदू महासभा के भी मेंबर थे, एंड ही फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी एंड फ्री इंडिया सोसाइटी. तो ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर जो है वो हिंदू महासभा के मेंबर थे, एंड इसके अलावा अभिनव भारत सोसाइटी इन्होंने फाउंड की थी, एंड फ्री इंडिया सोसाइटी. इसके अलावा इनको अरेस्ट किया गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको 1910 में अरेस्ट किया था फॉर हिज कनेक्शन विद द इंडिया हाउस. इंडिया हाउस जो था वो इंडियन रेवोल्यूशनरीज का एक मतलब कहा जा सकता है गढ़ माना जाता था, एंड बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद इंडिया हाउस ही वॉज अरेस्टेड, एंड इनको जो है वो सेलुलर जेल अंडमान एंड निकोबार में भेज दिया गया था. इसके बाद यहां पर उन्होंने रहते हुए 1921 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा, माफीनामा लिखा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, एंड इट इज ओनली द पावरफुल, जो शक्तिशाली होता है वही माफ कर सकता है. ठीक है, तो ये सारे लेटर लिखने के बाद उनको जो है वो रिलीज किया गया, एंड रिलीज करने की कंडीशन क्या थी? रिलीज करने की कंडीशन ये थी कि वो दोबारा कभी भी कोई भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसको इस कंडीशन को मानते हुए भी वो बाहर आए, एंड फिर उसके बाद उन्होंने अपना जो भी पॉलिटिकल लाइफ था या सोशल लाइफ था वो जिया. ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी एक लेटर लिखने के कारण कि उन्होंने ब्रिटिशर से माफी मांगी, जबकि भगत सिंह लोग फांसी पर झूल गए पर उन्होंने कभी माफी नहीं मांगी ब्रिटिशर से. ठीक है, तो उस कारण से उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये उनका क्रिटिसिज्म है. इसके अलावा उनका एक चीज और ध्यान रखिएगा, ही कॉन्स्टेंटली अपोज्ड महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के वो हमेशा खिलाफ थे, एंड ही अपोज्ड द क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉरी, उन्होंने जो भारत छोड़ आंदोलन था उसका भी विरोध किया था. ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो पोर्ट ब्लेयर में एयरपोर्ट है वो इन्हीं के नाम पर है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन 2002. इसके बाद जो यहां पर दूसरी हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी आज मेंशन है, स्कंदगुप्त, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं. ही बिलोंग टू गुप्ता डायनेस्टी, नाम से ही क्लियर है, एंड इनसे जुड़ा हुआ एक बहुत फेमस इंस्क्रिप्शन है, ध्यान रखिएगा, बृहद्हरि इंस्क्रिप्शन. ठीक है, बृहद्हरि इंस्क्रिप्शन जो है वो किस रूलर से जुड़ा हुआ है? स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है, एंड इनके जो इनका रेन था उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वहां पर हुनास का इन्वेजन हुआ था, उन्होंने जो है वो आक्रमण किया था भारत के ऊपर, एंड ही वॉज एबल टू डिफीट दोज हुनास. ठीक है, तो स्कंदगुप्त के ये इंपॉर्टेंस है, एंड इसके अलावा ही इज कंसीडर्ड एज लास्ट ऑफ द ग्रेट गुप्ता एम्परर्स. ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर स्कंदगुप्त के बारे में.
नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ठीक है, विच इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 161। एंड यहां पर जो तमिलनाडु के गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित, उन्होंने तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एडापड़ी के पलिनी स्वामी, उनको एक इनफॉर्मल तरीके से बोला है कि उनका जो प्रपोजल है कि राजीव गांधी के हत्या में जिन 7 लोगों को मतलब सजा हुई है उनको छोड़ दिया जाए, वो उसको अप्रूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि सही चीज बोली गई है कि अगर कोई मतलब भारत के प्रधानमंत्री की अगर कोई हत्या करता है एंड उसके बाद उनको मतलब उनको छोड़ने की अगर बात होती है तो डेट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, एंड इसके जरिए एक इंटरनेशनल भी जो मैसेज जाएगा वो गलत जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग समझ लेते हैं इनके पार्डनिंग पावर के बारे में, गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में। तो गवर्नर कैन पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट द पनिशमेंट और सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट लॉ, ठीक है। तो पर अगर किसी स्टेट लॉ में किसी इंसान को सजा होती है तो गवर्नर उसको पार्डन कर सकता है, रिप्रीव कर सकता है, रेस्पाइट, रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट, ये सारी जो है चीज़ें माफ़ी दे सकता है, ठीक है। बट एक चीज़ गवर्नर के पार्डनिंग पावर के बारे में ध्यान रखेंगे हम लोग कि ही कैन नॉट पार्डन अ डेथ सेंटेंस। अगर किसी इंसान को स्टेट लॉ के कारण भी डेथ सेंटेंस होती है तो वो गवर्नर के पास पावर नहीं है कि वो उसको पार्डन कर सके। पार्डन करने की डेथ सेंटेंस के मामले में पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। बट गवर्नर कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस। अब मैंने इतने शब्द बोले यहां पर, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट, ठीक है, पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट। अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसको लेकर के बड़ी दिक्कत होती है कि इन शब्दों का मतलब क्या है, ठीक है। तो हमको इनको आसान भाषा में समझ लेते हैं याद रखने के लिए, ठीक है। बाकी पार्डन का मतलब होता है पूरी माफी, मतलब आपने जो कुछ भी किया उन सबसे माफ कर दिया जाएगा एंड आपको दोष मुक्त कर दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं पार्डन, ठीक है। रिप्रीव का मतलब होता है कि कुछ देर के लिए रोक देना, मतलब जैसे फांसी होने वाली है उसको 6 महीने के लिए रोक दिया जाएगा, ठीक है। तो रिप्रीव मतलब होता है कुछ देर के लिए रोक देना, ठीक। रेस्पाइट का मतलब है कम सजा करना किसी विशेष परिस्थिति में। रेस्पाइट का मतलब ध्यान रखिएगा कम सजा किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला है वो गर्भवती है एंड उसको ज्यादा सजा हुई थी तो उसको माफ कर दिया जाए, तो उसको जो है वो क्या बोला जाएगा, रेस्पाइट, ठीक है। रेमिशन या रेमिट का मतलब होता है, रेमिशन का मतलब है सजा का समय कम कर देना, सजा वही रहेगी। जैसे मान लीजिए आपको 2 साल की सजा हुई है तो 2 साल की ही रहेगी, बस उसको कम कर दिया जाएगा साल भर के लिए, ठीक है, तो उसको रेमिशन बोला जाता है। एंड उसके बाद कम्यूटेशन होता है या कमीशन या सस्पेंशन का मतलब होता है एक सजा को दूसरे सजा में बदल देना। जैसे मान लीजिए आपको कि सश्रम कारावास हुआ है, उसको बदल करके आपको मतलब उसका सजा का नेचर ही बदल दिया जाए, ठीक है, तो इसको जो है वो बोला जाता है कम्यूटेशन। जैसे आपको फांसी हुई है एंड उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए तो डैट विल बी रेफर टू एज कम्यूटेशन। तो ये शब्दों का मतलब ध्यान रखिएगा, ये बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो पार्डन मतलब पूरी माफी, रिप्रीव मतलब कुछ देर के लिए रोक देना, रेस्पाइट का मतलब कम सजा विशेष परिस्थिति के कारण, ठीक है, रेमिशन का मतलब सजा का समय कम कर देना, सजा वही रहेगी, कम्यूटेशन का मतलब सजा को दूसरे फॉर्म में बदल देना। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू पेज नंबर 2, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एंड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने अभी एक डिसीजन दिया है रिलेटेड टू दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। उन्होंने ये बोला था ये बिजली निगम वालों ने कि हमको डीजल जनरेटर सेट्स जो हैं वो चलाने दिया जाए, लेकिन एनजीटी का कहना है कि सिटीजन्स को जो राइट है टू ब्रीथ हेल्दी एंड फ्रेश एयर डेट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, एंड आप दूसरे तरीके ढूंढिए जिसके जरिए से आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई कर सकें, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एनजीटी के बारे में देख लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। ये कब बना था? इट वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 2010 अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। इसका बेसिक पर्पस क्या है? सबसे पहला इसका बेसिक पर्पस है टू एनफोर्स राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में जो सिटीजन्स को राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट दिया हुआ है उसको एनफोर्स करना। दूसरा है एनवायरमेंट से रिलेटेड जो केसेस आते हैं उनको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करना। तो जो एनजीटी एक्ट है 2010 का उसमें मेंशन्ड है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल विल डिस्पोज ऑफ द केसेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, एंड इसको जल्दी से डिस्पोज ऑफ किया जा सके। इसलिए क्या कंडीशन लगाई गई है कि
NGT is not bound by the Code of Civil Procedure 1908, rather it is guided by principle of natural justice. अब principle of natural justice क्या होता है? उसमें दो चीजों का ध्यान रखा जाता है कि no one should be punished without hearing, किसी को भी बिना सुने सजा ना हो, and दूसरा principle है कि no one should be judged in his own cause, कोई अपने ही केस में जज ना हो. तो इन दो चीजों का NGT ध्यान रखता है. NGT का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है. रीजनल बेंचेस कहाँ हैं? भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई में. NGT के अभी चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल. एंड किस इंसान को चेयरपर्सन बनाया जा सकता है NGT का? सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो इन ये कंडीशन है फॉर बिकमिंग NGT चेयरपर्सन. एंड इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग कि इंडिया वॉज द थर्ड कंट्री टू हैव सच एन एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल. इंडिया से पहले न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव फॉर्मुलेटेड सच ट्राइब्यूनल्स. ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर NGT के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 3. एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू यमुना रिवर. एंड अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट फाइल की गई है कि अराउंड 120 पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज आर लिविंग ऑन द यमुना फ्लड प्लेस. एंड NGT ने बोला है कि इनको वहां से हटाया जाए क्योंकि ये लोग जो हैं वो यमुना फ्लड प्लेन्स में एनक्रोचमेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो उन्होंने जो है अवैध कब्जा या ये कर रखा है. ठीक, तो इसको लेकर के ये न्यूज़ है. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्योंकि यमुना रिवर का जिक्र हुआ है तो यमुना के बारे में पढ़ लेते हैं. यमुना का सोर्स कहाँ है? यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज इन नॉर्थ ऑफ हरिद्वार इन द हिमालयाज इन माउंटेन्स. एंड कौन सा ग्लेशियर इसके पास है? इट इज यमुनोत्री ग्लेशियर इज लोकेटेड नियर बांदेरपुंज पीक्स. तो ये ध्यान रखिएगा यमुना का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर विच इज लोकेटेड नियर द बांदेरपुंज पीक्स. एंड सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है यमुना की? यमुना टोंस. टोंस रिवर जो है वो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है. इसके अलावा यमुना के बारे में ध्यान रखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. तो यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की. ठीक है, एंड यमुना की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? टोंस, गिरी, हिंडोन, बेतवा, ढसान, केन, सिंध एंड चंबल रिवर. ऑल ऑफ दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना रिवर. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर यमुना रिवर के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 4. एंड यहां पर जो हमारी एक न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू NAFED. ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर दे रखा है. एंड दिल्ली के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि आने वाले 10 दिनों में आप हमको 10 ट्रक्स मतलब हर दिन दीजिए ताकि हम जो ओनियन है प्याज है उसको सस्ते रेट में बेच सकें. ठीक है, तो यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजेशन मेंशनड है NAFED, इसके बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. एक बार फिर से बोल देता हूँ, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED. ये कब बना था? 2 अक्टूबर 1958 को बना था. एंड इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं उनको मार्केट करना, एंड अगर मतलब कभी भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं तो उनको रेगुलेट करना. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर NAFED के बारे में. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द NAFED शैल बी टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस. तो इनका सबसे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इनका, उसमें इनकी वेबसाइट में भी लिखा हुआ है, वो है टू ऑर्गेनाइज, प्रमोट एंड डेवलप मार्केटिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल, हॉर्टिकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल मशीनरी को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके अलावा भी जो और एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंप्लीमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इंटर स्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट ट्रेड को प्रमोट करना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करना. ठीक है, एंड इसके अलावा एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा कि NAFED जो है इट इज द नोडल एजेंसी टू इंप्लीमेंट प्राइस स्टेबिलाइजेशन मेजर्स, कि किसी भी प्रोडक्ट की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, तो उसके लिए जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? NAFED. एंड इट इज नोडल एजेंसी फॉर ऑपरेशन ग्रीन्स. ऑपरेशन ग्रीन का क्या एम है? टू डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022. ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर NAFED के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज. एंड यहां पर जो एक हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NMML. अब उसके जो है वो नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है फॉर द कमिंग 6 मंथ्स. ये आपसे वन डे टाइप एग्जाम से पूछा जा सकता है. तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट जो है उन्होंने राघवेंद्र सिंह एक्स कल्चरल सेक्रेटरी को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी का अभी के लिए 6 महीनों के लिए डायरेक्टर बनाया है. ठीक है, एंड नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी में अभी जो है प्राइम मिनिस्टर्स का म्यूजियम भी बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा. एंड ये जो है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, तो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है. एंड ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. इट इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ
कल्चर, ठीक है। एंड इसके अलावा ये चार, मतलब जो इसके बिल्डिंग्स हैं, ये चार कंपोनेंट्स को देखती है बेसिकली: मेमोरियल, म्यूजियम, लाइब्रेरी ऑन मॉडर्न इंडिया, अ सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी स्टडीज एंड नेहरू प्लेनेटोरियम। तो इन सब का जो मैनेजमेंट है वो कौन देखता है? नेहरू मेमोरियल, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। एंड अगर आप में से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं तो एक बार आप लोग जरूर विजिट करिएगा नेहरू मेमोरियल, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी को, ठीक। नाउ कम टू पेज नंबर 8। यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू स्केलिंग ऑफ किलिमंजारो, एंड नीरज जॉर्ज बेबी जो है उन्होंने अभी माउंट किलिमंजारो को चढ़ाया, उसी से रिलेटेड ये न्यूज है। एंड वैसे ये नहीं पूछा जाएगा, माउंट किलिमंजारो से रिलेटेड एक फैक्ट है जो हम लोग ध्यान रखेंगे। इट इज द हाइएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, ठीक है। तो सबसे बड़े माउंटेन पीक कौन सी है अफ्रीका की? माउंट किलिमंजारो, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर माउंट किलिमंजारो के बारे में। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप लोग कमेंट करिएगा कि माउंट किलिमंजारो जो है वो किस कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अफ्रीका का सबसे बड़ी पीक है, आप लोग कंट्री का नाम बताइएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू कॉलेजियम, एंड कॉलेजियम जो है उन्होंने अभी पटना हाई कोर्ट के एक जज थे उनका ट्रांसफर रिकमेंड किया है, ठीक है। अब ट्रांसफर तो रूटीन बात है, हर दिन मतलब किसी का भी हो सकता है, तो अब उसको इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट किया गया है? ये जज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं राकेश कुमार, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी के अंदर जो करप्शन है, इन्होंने इस बात को बोला था कि जुडिशरी भी जो है वो करप्ट है, ठीक है, वहां भी भ्रष्टाचार जो है वो अपने चरम पर है। तो इसकी एक रिमार्क के कारण जो है उनको ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। तो पटना हाईकोर्ट से हटा करके उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट भेज दिया गया है। अब हम लोग थोड़ा सा कॉलेजियम के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। दिस टर्म वॉज क्वाइंड बाई द सुप्रीम कोर्ट इन थर्ड जजेस केस ऑफ 1998, ठीक है। तो ये जो शब्द है वो सुप्रीम कोर्ट ने ही खोजा था। एंड यहां पे कॉलेजियम में कितने लोग होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये ध्यान रखिएगा, कॉलेजियम में कितने लोग होते हैं? 5 लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अलोंग विद 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड इनका काम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होते हैं उनके बारे में रिकमेंड करना, इसके अलावा जो ट्रांसफर्स होते हैं उनको भी ये कौन कराता है? कॉलेजियम, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कॉलेजियम कैसे बना उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इससे जुड़े हुए 3 केसेस हैं: फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। अब ये जजेस केस क्यों हुआ था उसके पीछे का मतलब थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि क्या हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन था कि प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट बेसिकली जब भी किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करेगी तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछेगी, ठीक है, जुडिशरी से उसको पूछा जाएगा। अब 1981 में ये सवाल उठा कि जब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से राय मांगी जाती है क्या वो गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, या फिर प्रेसिडेंट उस राय को मतलब किनारे करते हुए भी अपॉइंट या किसी भी जज को अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए फर्स्ट जजेस केस हुआ 1981 में। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, एंड अगर कंसल्टेशन का मतलब है कि आपने सिर्फ राय मांगी है, आप ये निश्चित नहीं है कि आप उस राय को मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये आपके ऊपर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया फर्स्ट जजेस केस इन 1981। अब सेकेंड जजेस केस जब हुआ 1983 में, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कंसल्टेशन का मतलब बदल करके, राय शुमारी का मतलब बदल करके कंकरेंस कर दिया कि आपको राय जो है वो जो भी एडवाइस आएगी जुडिशरी की तरफ से वो माननी पड़ेगी। एंड यहां पर ये बोला गया सेकेंड जजेस केस में कि एडवाइस टेंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट ऑन मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट द चीफ जस्टिस वुड टेंडर हिज एडवाइस ऑन द मैटर आफ्टर कंसल्टिंग 2 ऑफ हिज सीनियर मोस्ट कलीग्स, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी, लेकिन वो एडवाइस जो है वो 2 जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के उनसे पूछने के बाद ही उस एडवाइस को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ सेकंड जजेस केस में। थर्ड जजेस केस में जो है वो 1998 में कॉलेजियम की बात हुई, प्लुरलिटी ऑफ जजेस, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो 4 सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो जो एडवाइस देंगे वो डेट विल बी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। एंड इसके अलावा एक चीज यहां पर ये भी बोली गई कि अगर इफ 2 ऑफ द जजेस आर अगेंस्ट दिस अपॉइंटमेंट, अगर 2 मेंबर कलीग के सॉरी कॉलेजियम के 2 लोग जो है वो नहीं चाहते कि इस पर्सन को अपॉइंट किया जाए तो वो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं दी जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कॉलेजियम एंड उसकी हिस्ट्री। सो रिमेंबर 3 केसेस आर रिलेटेड विद दिस, फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस। नाउ कम टू पेज नंबर 9।
एंड यहाँ पर जो हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू टीबी। एंड अभी जो है रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट विच हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पर ये बोला है कि इंडिया में जो टीबी पेशेंट्स हैं दैट हैज़ डिक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 50,000। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। फैक्ट याद रखिएगा यहाँ पर से कि जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। ठीक है, एंड द रिपोर्ट नोट्स दैट इन 2017 इंडिया हैड 27.4 लाख टीबी पेशेंट्स विच केम डाउन टू 26.9 लाख इन 2018। ठीक है, इसके अलावा 2017 में जो टीबी इंसिडेंस था पर लाख पॉपुलेशन में वो 204 था, जो कि घट करके 199 पे आ गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक ड्रग दे रखा है जो टीबी के लिए यूज होता है, राइफामाइसिन, उसका जो रेजिस्टेंस है दैट हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 32% इन 2017 टू 46% इन 2018। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह टीबी के बारे में। ठीक है, एंड टीबी जो है वो हर दिन दुनिया भर में 4,000 लोगों की जान लेता है एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ बिग एपिडेमिक। इसके अलावा इंडिया ने टीबी केसेस को मॉनिटर करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, निक्षय ऐप। ठीक है, तो वो भी एक बड़ी सक्सेस है जिसके कारण हम इसको जो है वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। इसके अलावा टीबी को लेकर के एक और फैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि अराउंड 5,40,000 पेशेंट्स आर गोइंग अनरिपोर्टेड। ठीक है, तो जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं या जिनको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं उनका तो ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन 5.5 लाख अराउंड 5,40,000 पीपल आर देयर विच आर स्टिल अनरिपोर्टेड एंड उनका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं चल पा रहा है, दैट इज अ चैलेंज। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर टीबी से रिलेटेड न्यूज। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू अमुनिशन बाइड बाई द इंडियन आर्मी एक्स कैलिबर। ठीक है, तो एक्स कैलिबर एमुनिशन अभी इंडियन आर्मी ने खरीदा है, उससे रिलेटेड न्यूज है। एंड ये क्या है, इट इज 155 mm प्रेसीजन गाइडेड एमुनिशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। एंड इसके जरिए जो है जो हमारी आर्टिलरी गन्स हैं उनमें इसका यूज किया जाएगा एंड दिस विल गिव द आर्टिलरी गन्स एक्सटेंडेड रेंज एंड एबिलिटी टू हिट द टारगेट्स विद वेरी हाई एक्यूरेसी। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने इसको जल्दी से खरीदने की मतलब कोशिश की है एंड दैट हैज बीन डन। एंड ये जो एक्स कैलिबर प्रोजेक्टाइल है इट इज डेवलप्ड बाय राइथियन एंड बीएई सिस्टम्स बफोस। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर इस एक न्यूज से रिलेटेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर एक्स कैलिबर एमिनेशन के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 10 एंड यहाँ पर जो हमारा आज का सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज रिलेटेड टू अयोध्या डिस्प्यूट। एंड अयोध्या केस में जो अभी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में पिछले 40 दिनों से, फाइनली दैट हैज एंडेड एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि डिसीजन विल कम इन द नेक्स्ट 1 month। इसी को लेकर के यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। एंड एक चीज़ और बताई गई है यहाँ पर कि जो मस्जिद था, बाबरी मस्जिद था, वहाँ पर जो मूर्तियाँ थी वो 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात को जो है इंस्टॉल की गई थी। इसके अलावा 1986 में कोर्ट के ऑर्डर के बाद वो मंदिर के दरवाजे खोले गए एंड वापस से पूजा शुरू हुई, जिसके बाद पूरा का पूरा विवाद शुरू होता है। एंड इन द ईयर 1992 बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया एंड एट दैट डे नॉट ओनली बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड बट इवन द सेकुलर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस ऑफ दिस कंट्री वर ऑल्सो डिमोलिश्ड अलॉन्ग विद द डिमोल्यूशन ऑफ बाबरी मस्जिद। ठीक है, तो इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, उम्मीद ये की गई है कि मतलब इस तरह से सेटल किया जाए इस मामले को ताकि कम्युनल डिस्प्यूट जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एंड एडिटोरियल में ये होप है कि मीडिएशन के जरिए, अगर मध्यस्थता के जरिए इसको खत्म किया जाए तो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है एंड वो ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कि कानूनी तौर पे इस एक लॉ को खत्म किया जाए या फिर इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल, एंड आज का हमारा जो लीड आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू एन नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो नोबेल प्राइज मिला है उसका जो एक मेथड था रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, इसको लेकर के पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। तो सबसे पहले इसमें विनर्स बताए गए हैं कौन कौन जीता है, दूसरा जो है यहां पर रैंडोमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में बताया गया है कि ये क्या होता है, इसका क्या फायदा होता है, फिर फाइनल थर्ड केस में यहां पर बताया गया है कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की लिमिटेशंस क्या हैं एंड फाइनली कंक्लूजन कि हमको आगे कैसे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले विनर्स देख लेते हैं हम लोग नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स के, कौन कौन है, अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो एंड माइकल क्रेमर। अब इनको किस लिए मिला है, फॉर पायनियरिंग द यूज ऑफ रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का यूज करने के डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में इस चीज के लिए इनको दिया गया है। अब रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं हम लोग। या रैंडोमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के अंदर क्या होता है कि आप दो ग्रुप्स को चुनते हैं जो कि सिमिलरली प्लेस्ड हैं। ठीक है,
तो जो जो एकदम एक जैसे हैं एंड उनको दो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक को जो है वो मदद दी जाती है एंड दूसरे ग्रुप को जो है वो मदद नहीं दी जाती है। फिर जो उसके बीच में डिफरेंस आता है उसके जरिए पता चलता है कि मदद जो आप दे रहे हैं उसका कुछ फायदा हुआ या कुछ फायदा नहीं हुआ, एंड फिर इस तरह से तय किया जाता है कि क्या चीज करने से ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है एंड फिर उसी चीज को जो है वो बाकी ग्रुप्स के लिए भी अप्लाई किया जाता है। ये पहले जो है वो साइंस में मेडिकल ट्रायल में जो यूज किया जाता था कि जैसे किसी को ड्रग दिया गया उसमें क्या इंप्रूवमेंट हुआ एंड जिसको नहीं दिया गया तो उसके अंदर क्या हुआ, अब इसी का इस्तेमाल जो है वो इकोनॉमिक्स में किया गया, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स वेयर यू सेलेक्ट टू ग्रुप्स दैट आर सिमिलर एंड देन रेंडमली सेलेक्ट वन टू रिसीव द ट्रीटमेंट बीइंग टेस्टेड एंड देन कंपेयर द आउटकम ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो इसी चीज को लेकर के यहां पर हाईलाइट किया गया। अब ऑथर का कहना है कि रैंडमली इसको माइकल क्रेमर ने केनिया में इन द लेट 1980s इसको यूज किया व्हेन ही वाज टीचिंग इन केनिया एंड उसका जब एप्लीकेशन दिखा, उसका जब फायदा दिखा तो उसको फिर जो है वो बाकी जगह भी यूज किया गया। उसके बाद लेट 1980s के बाद आने वाले दो दशकों में कहना चाहिए कि इन द 1990s एंड द 2000s दिस मेथड वॉज एक्सटेंसिवली यूज बाई मिस्टर बनर्जी एंड मिस डुफ्लो एंड उसके बाद वर्ल्ड बैंक वगैरह ने भी इसका यूटिलाइजेशन शुरू किया जिसका फायदा जो है वो लोगों को दिखा। अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स की ये है कि ये माइक्रो लेवल के क्वेश्चंस को तो आंसर कर सकते हैं, आप छोटे ग्रुप्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो मैक्रो क्वेश्चंस हैं या जो बड़े ग्रुप्स हैं उनके ऊपर सेम इंप्लीकेशंस लगाना वो इतना आसान नहीं होता है थ्रू द रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स। ठीक है, इस एक चीज को हाईलाइट किया गया। इसके अलावा एनदर की लिमिटेशन ऑफ आरसीटीज दैट दे कैन एस्टेब्लिश व्हाट वर्क्स, ये तो बता सकते हैं क्या काम करेगा लेकिन ये नहीं बता सकते कि और इससे अच्छा क्या हो सकता था। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जो ट्रायल कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके दिमाग में कोई और अच्छी चीज नहीं आई, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगी कि इससे अच्छा भी कुछ हो सकता था, तो वो नहीं पता चलता है। इस एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया। अब सजेशन क्या है कि जैसे कि मतलब किसी को भी दवाई, मतलब अगर आप बीमार हैं तो बिना डायग्नोसिस के आपको दवाई नहीं लिखनी चाहिए, उसी तरह से जब भी आप कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उसको बिना मतलब प्रिस्क्रिप्शन के या आपको पता ना हो कि इसका क्या इंटेंट, मतलब किसको बेनिफिट देना है और कितना देना है, तब तक उसको लागू नहीं किया जाना चाहिए। तो इस एक चीज को ऑथर ने यहां पर हाईलाइट किया है। नाउ कम टू द सेकेंड आर्टिकल एंड आज का हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू कंप्लीटली पॉलिटिक्स एंड महाराष्ट्र एंड हरियाणा से रिलेटेड ये आर्टिकल है जहां पर बेसिकली बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी है कि जो डोमिनेंट कास्ट है चाहे वो हरियाणा में जाट हो या फिर महाराष्ट्र में मराठा हो उनको किनारे करके जो नॉन उनके खिलाफ जो रिसेंटमेंट होता है यूजली उसको इकट्ठा किया जाए एंड उसके जरिए जो है वो जीत हासिल की जाए। तो इसी एक चीज को यहां पर हाईलाइट किया गया है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एन यूपीएससी एस्पिरेंट सो वी कैन स्किप इट। सेकेंड एडिटोरियल जो है हमारा डेट इज रिलेटेड टू एनालिसिस ऑफ द मॉनसून 2019। तो अभी कैसा मॉनसून रहा एंड आने वाला जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है उसको लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है एंड ये जो मॉनसून था इस बार का डेट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट टॉरेंशियल मॉनसून इन अ क्वार्टर सेंचुरी ऑफिशियली। ठीक है, तो क्वार्टर सेंचुरी में अगर पिछले 25 सालों में बात करें तो ये सबसे ज्यादा टॉरेंशियल मॉनसून था। टॉरेंशियल का मतलब होता है अचानक से बहुत तेज और बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाए, ठीक है, एंड क्वांटिटी भी उसकी ज्यादा हो तो इसको जो है वो टॉरेंशियल बोला जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो मॉनसून था बहुत ही टॉरेंशियल मॉनसून था एंड सबसे डिलेड विड्रॉल हुआ है सिंस 1961। ठीक है, तो इस बार क्योंकि मॉनसून जो है अराउंड सितंबर, पूरा सितंबर कवर कर लिया तो इसलिए बहुत लेट विड्रॉल हुआ है। अब हालांकि ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है वो उसके कारण डिस्टर्ब हो जाए क्योंकि अभी जो हमारा मॉनसून था जो जुलाई से सितंबर वाला मॉनसून होता है वो कौन सा मॉनसून होता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। अब जो कमिंग डेज में आने वाला मॉनसून है वो कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो है वो हो सकता है डिले हो बट इट इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन टाइम एंड इसके कारण जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं स्पेशली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, यहां पर ज्यादा बारिश हो सकती है। प्रॉब्लम इस बात की है कि इन स्टेट्स में जो है अभी साउथ वेस्ट मॉनसून में भी 15% एवरेज से ज्यादा बारिश हुई है एंड अभी फिर अगर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में भी अच्छी बारिश हो गई तो यहां पर फ्लड का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। इसी एक चीज को यहां पर एडिटोरियल में सजेशन भी दिया गया है कि हमको नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को और ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है एंड उसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए कि उसके जो कारण जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट यहां पर यह बताया गया है कि अभी जो साउथ वेस्ट मॉनसून हुआ उसमें जो ज्यादातर प्रेडिक्शन किया गया था, सबसे पहला प्रेडिक्शन तो यह किया गया था कि ज्यादा बारिश नहीं होगी लेकिन इस बार देखा गया कि एवरेज या एवरेज से ज्यादा बारिश हुई तो वो प्रेडिक्शन गलत हुआ। तो यहां पर
और एडिटोरियल में ये सजेस्ट किया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, जब प्रेडिक्शन करते हैं तो ज्यादा फोकस जो है वो हमारा एल नीनो या पैसिफिक ओशियन के ऊपर होता है, लेकिन इंडियन ओशियन जो है वो इंडियन मानसून को कैसे इंपैक्ट कर सकता है इसकी स्टडी नहीं होती है, ठीक है। तो इसको स्टडी करने की जरूरत है। तो बेसिकली यहां पर दो सजेशन है कि इंडियन मानसून को बेटर प्रेडिक्ट करने के लिए आपको चाहिए कि आप इंडियन ओशियन के जो फिनोमिनाज हैं उनको भी पढ़ें, बहुत ज्यादा वेस्टर्न या पैसिफिक ओशियन पे ही ना पड़े रहें। दूसरा सजेशन यहां पर यह है कि नॉर्थ ईस्ट मॉनसून को लेकर के हमारी इंफॉर्मेशन उतनी ज्यादा अपडेटेड नहीं होती है, तो उसको मजबूत करने की जरूरत है। तो यह सजेस्ट किया गया है यहां पर इस एक एडिटोरियल में। नाउ कम टू द फ्राइडे डिस्कशन, एंड इस बार का जो फ्राइडे डिस्कशन था हमारा डेट वॉज ऑन व्हाट कुड बी डन टू ओवरकम ग्लोबल स्लो डाउन। ग्लोबल स्लो डाउन जो है वो उसको खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, एंड बेसिकली इंडियन इकोनॉमी को उससे कैसे बचाया जा सकता है। अब सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन क्यों आ रहा है। उसके कारण है ट्रेड स्लो डाउन सबसे पहला, दूसरा जो है प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज। तो दुनिया भर में जो प्रोटेक्शनिज्म चल रहा है कि अपनी इकोनॉमी को ओपन अप नहीं करना है, एंड लोकलाइजेशन की तरफ जो जा रही है दुनिया, उसके कारण स्लो डाउन आया है, ठीक है। इसके अलावा तीसरा कारण है यूएस चाइना ट्रेड वॉर, एंड चौथा कारण जो दिया है ऑथर्स ने वो ये है कि जो फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया जा रहा था 2008 क्राइसिस के बाद वो अचानक से विड्रॉ कर लिया गया, ठीक है, एंड प्री मेच्योर विड्रॉल ऑफ दैट स्टिमुलस, इसके कारण जो है वो स्लो डाउन देखा जा रहा है। अब इंडिया में स्लो डाउन इसका क्यों आ रहा है, एक तो हमारी इकोनॉमी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेटेड है तो उसका इंपैक्ट देखा जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ स्लो डाउन ऑफ 1.5 परसेंटेज पॉइंट, ठीक है। तो 1.5% जो गिरावट है वो ग्लोबल फैक्टर्स के कारण है। दूसरा जो फैक्टर है हमारा डोमेस्टिक फैक्टर है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन भी उतना ज्यादा नहीं है, डिमांड नहीं है, तो वो कारण है। तीसरा जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो एनबीएफसी क्राइसिस है, जो कि ज्यादातर लोन्स दिया करते थे कैपिटल गुड्स के लिए, तो वहां पर जो क्राइसिस है उसके कारण स्लोडाउन देखा जा रहा है। अब सॉल्यूशंस क्या दिए गए हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन ये दिया गया है कि गवर्नमेंट को फिस्कल स्टिमुलस की तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे लोगों तक ज्यादा पैसा पहुंचे, वो करना चाहिए। दूसरा सजेशन ये दिया गया कि सोशल स्पेंडिंग नीड्स टू बी इंक्रीज, जो सामाजिक खर्चे हैं या जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको बढ़ाना चाहिए। तीसरा यह बोला गया है कि गवर्नमेंट को फोकस ये करना चाहिए कि पैसा जो है वो गरीबों के हाथ में जाए। जैसा अभी गवर्नमेंट ने अभी कॉरपोरेट टैक्स रेट कट किया तो उसका फायदा नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि कॉरपोरेट्स अपना पैसा बचा के बैठे रहेंगे, लेकिन अगर आप गरीब को पैसा देंगे तो वो खर्चा करेगा, वो मार्केट में जाएगा, तो फिर इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। तो ये एक सजेशन यहां पर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ये भी सजेशन दिया गया है कि हमको वेस्टर्न मार्केट्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, वेस्टर्न मार्केट्स अब जो उनका ग्रोथ था या जो पीक था वो हो चुका है, वो फ्लैट हो चुके हैं। हमको ईस्टर्न मार्केट्स जैसे कि आरसीईपी है, ईस्टर्न मार्केट वियतनाम, बांग्लादेश, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनके तरफ देखना चाहिए, वहां पर हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ा सकते हैं एंड उनके साथ जो है वो पार्टनरशिप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन इंडस्ट्रीज को भी जो है वो रीजनल मार्केट से बाहर निकल करके, ग्लोबल मार्केट इंडियन मार्केट से बाहर निकल करके जो रीजनल मार्केट है वहां के लिए पुश करना चाहिए। अभी तक क्या होता था, इंडियन इंडस्ट्रीज को यह पता होता था कि हमारा तो बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास अपने लोग हैं, खरीदे लेंगे, ठीक है, तो उस कारण से बाहर की तरफ एक्सपोर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अब जो एक्सपोर्ट है वहां पर ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट है उसको कॉम्पिटिटिव रखने की जरूरत है, रुपी का एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके कारण जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा जो गवर्नेंस मैकेनिज्म है उनको इंप्रूव करने की जरूरत है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, फिस्कल स्टिमुलस करिए, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाइए, रूरल एरियाज में गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए, इसके अलावा ईस्टर्न साइड को देखिए, आरसीईपी के ट्रेड डील आप अगर साइन कर सकते हैं तो वो करिए, इंडियन इंडस्ट्रीज को बोलिए कि आप एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस करें, इसके अलावा जो एक्सचेंज रेट है वो कॉम्पिटिटिव रखें, एंड गवर्नेंस के जो मैकेनिज्म हैं उनको इंप्रूव किया जाए, ठीक है। तो आई होप ये सॉल्यूशंस अगर आपसे मेंस में क्वेश्चन आता है तो यू पीपल विल बी एबल टू यूज इट। नाउ कम टू पेज नंबर 13, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है वो डेट इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एंड अभी जो है ये उम्मीद की जा रही है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास चाइना और मलेशिया जैसे देशों का सपोर्ट है, तो इस कारण से उसको ग्रे लिस्ट में ही रखा जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन द ईयर 1989 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 1989 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ टेररिज्म फाइनेंसिंग भी इसके मैंडेट में ऐड किया गया। 2001 में ही क्यों ऐड किया गया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 9/11 अटैक हुआ था। 9/11 अटैक के बाद जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज थे सब आतंकवाद चिल्लाने लगे, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई टेररिज्म फाइनेंसिंग वाज इंक्लूडेड, ठीक है। अब वेस्टर्न कंट्रीज को मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि 1990 से लेकर 2000 तक जब इंडिया बोलता था
कि टेररिज्म है तो मानते नहीं थे, ठीक है, तो इसलिए। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, वो है पेरिस में, ठीक। एंड इसके अलावा जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये एक लिस्ट पब्लिश करती है, डेट इज ग्रे लिस्ट, ठीक है। तो वो वहां पर किसको रखा गया है, पाकिस्तान को। एंड ग्रे लिस्ट में अगर किसी को रखा जाता है तो वहां पर जो फाइनेंसेस हैं उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है, एंड उस कंट्री को बोला जाता है कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। नाउ कम टू दिस न्यूज, दिस न्यूज इज रिलेटेड टू करतारपुर कॉरिडोर। एंड यहाँ पर अभी जो पिलग्रिम्स जो तीर्थयात्री हैं वो करतारपुर जो जाएंगे उनके लिए बोला गया है कि सिक्योरिटी चेक रखा जाएगा, क्योंकि एक ये फियर है कि हो सकता है कि पाकिस्तान वहाँ से छोटे हथियार और ड्रग्स वगैरह स्मगलिंग का ये नया रास्ता चुन ले, तो उस कारण से सिक्योरिटी चेक जो है वो रखा जाएगा एंड लोगों की जाँच की जाएगी। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि मोबाइल फोन्स जो है वो ले जाने दिया नहीं जाएगा, ठीक है, मोबाइल फोन नहीं ले जा सकते आप, तो इस एक चीज को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान जो बॉर्डर है वो कौन सी फोर्स गार्ड करती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमारा इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को गार्ड करता है, ठीक है, तो ये चीज यहां पर हाईलाइट की गई। इसके अलावा जो अभी भी डिस्प्यूट बचा हुआ है करतारपुर कॉरिडोर से रिलेटेड वो है वीजा फीस से रिलेटेड। तो पाकिस्तान का कहना ये है कि वो हर पिलग्रिम से $20 लेंगे, ठीक है, यानी 1420 रुपए अराउंड, तो वो उतना जो है वो हर तीर्थयात्री को देना होगा। इंडिया का कहना यह है कि क्योंकि ये पवित्र स्थान है एंड पीपल टू पीपल टाइज है, तो ये फीस जो है वो हटा ली जाए या ये फीस ना लगाई जाए। इसके अलावा जितने भी मुद्दे थे वो सब सॉल्व कर लिए गए, ठीक है, तो ये यहां पर इस न्यूज को हाईलाइट किया गया। करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब कॉरिडोर है तो किन्हीं दो जगहों को लिंक कर रहा होगा, सो इट इज अ लिंक बिटवीन गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब। अब गुरदासपुर में जो है वो डेरा बाबा नानक है, एंड करतारपुर में जो है वो गुरुद्वारा दरबार साहिब है या गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, विच इज लोकेटेड इन पाकिस्तानी पंजाब। एंड ये जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है ये बनाया गया था इन 1522 बाय गुरु नानक देव। एंड करतारपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इट इज बिलीव्ड कि गुरु नानक देव स्पेंट हिज लास्ट फ्यू डेज इन द करतारपुर, एंड करतारपुर साहिब जो गुरुद्वारा है वो वहीं पर उनका रेस्टिंग प्लेस है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये सिख पिलग्रिम्स के लिए, सिख कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड किस नदी के किनारे है करतारपुर, इट इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इन नवंबर 2019, ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर करतारपुर कॉरिडोर के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 14, एंड यहां पर एक ब्रेक्जिट की जो डील हुई है उसको यहां पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है। तो क्या डील हुई है वो देख लेते हैं हम लोग। द यूनाइटेड किंगडम विल ऑनर ईयू रूल्स, यूरोपियन यूनियन रूल्स टिल द एंड ऑफ 2020। तो ये डील में है कि बाई मतलब 2020 तक यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोपियन यूनियन के रूल्स को फॉलो करेगा। दूसरा जो ये हुआ है कि द यूनाइटेड किंगडम विल पे एन एस्टिमेटेड 39 यूरो बिलियन डिवोर्स बिल, ठीक है, तो यूके जो है यूरोपियन यूनियन को कितना पैसा देगा, 39 बिलियन यूरोस, ठीक। इसके अलावा तीसरा जो डील हुआ है, द राइट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन सिटीजन्स लिविंग इन द यूके एंड द यूके सिटीजन्स इन द यूरोपियन यूनियन विल बी गारंटीड। तो जो सिटीजन्स के राइट्स हैं वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिफाई करेंगे। इसके अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड विल बी अलाइंड विद द यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट फॉर गुड्स वाइल इट विल लीगली पार्ट विद द यूरोपियन यूनियन। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो एक हिस्सा है वो यूरोपियन यूनियन का, इट विल बी अलाइंड विद द यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट, तो वहां का जो सिंगल मार्केट है उसके साथ वो रहेगा, लेकिन लीगली इट विल मतलब ये यूरोपियन यूनियन से अलग हो जाएगा। एंड देयर विल बी अ कस्टम्स बॉर्डर्स बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड द आयरिश आयरलैंड। तो एक कस्टम बॉर्डर जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरिश आयरलैंड। अब यहां पर दो टर्म्स यूज हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम एंड ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं ये इनका क्या मतलब होता है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये ध्यान रखिएगा फैक्ट, यूनाइटेड किंगडम का मतलब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड। एंड ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स, तो ये ध्यान रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड स्कॉटलैंड एंड वेल्स, एंड यूनाइटेड किंगडम का मतलब ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां से। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर जो हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू टर्की। एंड टर्की जो है वो फाइनली जो सीरिया में उसने अटैक किया था उसके सीज फायर के लिए तैयार हो गया है, एंड 120 घंटे का टाइम दिया गया है जो कर्दिश फोर्सेस हैं वो अपने आप को वहां से हटा लें। एंड इसके अलावा यहां पर इस डील में ये भी बोला गया है कि दोबारा वहां पर कर्दिश फोर्सेस जो है वो नहीं आएंगी। तो एक तरह से टर्की जो चाहता था कि वो सेफ जोन क्रिएट कर ले, डेट हैज बीन क्रिएटेड, एंड उसको जो है वो एक सफलता
मिली है। अब टर्की के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसकी जो कैपिटल है वो है अंकारा। इसके अलावा किन किन देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, इट शेयर्स बाउंड्री विद ग्रीस, बुल्गारिया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इराक एंड सीरिया। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर टर्की के बारे में। नाउ कम टू द बिजनेस पेज, एंड बिजनेस पेज पर मतलब बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, सो वी स्किप इट, ठीक है, इसलिए उनको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर जो न्यूज़ है एक दैट इज रिलेटेड टू सेंसेक्स, एंड सेंसेक्स से जुड़ी हुई न्यूज़ है कि सेंसेक्स जो है वो 453 पॉइंट्स बढ़ करके 39,052 पे बंद हुआ। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में देख लेते हैं। सेंसेक्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स, एंड इसको जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जाना जाता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कहाँ लोकेटेड है, हमारा दलाल स्ट्रीट मुंबई में, एंड कब बना था ये, 1875 में बना था, एंड इट इज द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, एंड एट प्रेजेंट इट इज वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब सेंसेक्स है तो इसमें कितनी कंपनीज को मेजर किया जाता है, देयर आर 30 कंपनीज, ठीक है, 30 कंपनियों के इंडेक्सेस को यहां पर मेजर किया जाता है, एंड इसका जो बेस है दैट इज 1978-79। सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होता है, सब लोग सुनते रहते हैं कि 40,000 पे पहुंच गया, 39,000 पे पहुंच गया, तो कोई फॉर्मूला होगा उसका। तो फॉर्मूला सेंसेक्स का क्या है, टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज टुडे डिवाइडेड बाय टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप ऑफ 30 कंपनीज ऑन 1st of April 1979, ठीक है। तो टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैप अभी कितना है कंपनीज का, 30 कंपनियों का, सिलेक्टेड 30 कंपनीज का आज, डिवाइडेड बाय जो रहा होगा इन द ईयर 1979। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय जनरल पब्लिक मल्टीप्लाइड विद वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन द गिवन डेट, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास इंफोसिस को कैलकुलेट करना है, कि इंफोसिस को कैलकुलेट करते हैं कि इसका फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना होगा, तो मान लीजिए कि इंफोसिस के 70,000 शेयर हैं, एक शेयर की कीमत जो है वो 150 रुपए है, ठीक, तो 150 × 70,000 कर दीजिए तो आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चल जाएगा इंफोसिस का। इसी तरह जो 30 कंपनियां लिस्टेड हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, उनका आप कैलकुलेट कीजिए आज एंड एट द ईयर 1979, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको सेंसेक्स जो है वो मिल जाएगा। तो ये है सेंसेक्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा लार्सन एंड टुब्रो ने किसको एक्वायर किया, ये दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, सो वी कैन स्किप इट। नाउ कम टू द, ये था आज का न्यूज डिस्कशन। अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स कर दिए जाएं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो पब्लिश करता है सी, ठीक है। सफर जो है इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस बी, एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज मेंशन अंडर आर्टिकल 213B। तो कुल मिलाकर के आंसर हो गया आपका CBB, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां से, एंड आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल। हैव अ ग्रेट डे अहेड।